जहन में अलग सी तस्वीर सामने आती है, लेकिन झुंझुनू जेल के अंदर की तस्वीर देखकर तस्वीरें झूठी लगने लगती हैं। इन दिनों झुंझुनू जेल में योग की कक्षाएं चल रही हैं। कैदियों को मानसिक तौर पर स्वस्थ रखने के लिए उन्हें योग की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। योग की ये क्लास किसी स्कूल या किसी पार्क में नहीं चल रही है, बल्कि योग की ये तस्वीर झुंझुनू जेल के अंदर की है, जहां एक कैदी योग गुरु बना फिर दूसरे बंदियों को योग की शिक्षा देनी शुरू कर दी। योग की शिक्षा दे रहे ये हैं रामकरण, जिनकी गाड़ी से सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई थी और रामकरण को अदालत ने जेल भेज दिया। शुरुआत में रामकरण जेल के भीतर भारी मन से रह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने योग से अपना मन हल्का करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बाकी बंदियों को भी योग सिखाना शुरू कर दिया। अंदर हमारे एक बंदियों में से ही एक योग गुरु अभी आए हुए हैं, जो कि सजा के अंदर है, जिनका नाम रामकरण है। उन्होंने ही ये जो है, उन्हीं के द्वारा ये जो है, इन सभी बंदियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। रामकरण की मेहनत और लगन देखकर जेल के डीएसपी मोइनुद्दीन पठान ने बकायदा योग की क्लासेस शुरू करवा दी। दरियों से लेकर माइक तक की पूरी व्यवस्था कराई। डीएसपी का कहना है कि योग से बाकी बंदियों की सिरदर्द, भूख न लगना, एक कोने में हताश बैठे रहने जैसी बीमारियां भी दूर हो रही हैं। जेल में जब से रामकरण ने योग करवाना शुरू किया है, तब से बंदी मानसिक तौर पर बेहतर महसूस कर रहे हैं। ये 5 दिन से लगातार हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, तो उससे बंदियों के जो दिमाग में सर दर्द और जो भूख नहीं लगना और इसके अतिरिक्त और जो दिक्कतें थी, वो इन्होंने खुद ने मुझे आकर स्वयं को बताया कि हमारी परेशानियां दूर हो रही है। रामकरण के योग ने मानो जेल की जिंदगी की कायापलट ही कर दी है। डीएसपी जेल कहते हैं, बंदियों को मानसिक तौर पर स्वस्थ रखने के लिए अब हम और तरह के खेलकूद का खाका भी तैयार कर रहे हैं। हालांकि महिला बंदियों के लिए सिलाई प्रशिक्षण का काम चल रहा है। साथ ही डीएसपी मोइनुद्दीन पठान का कहना है कि जेल प्रशासन पूरे प्रदेश में बंदी सुधारात्मक कार्यक्रम चला रहा है, जिसके तहत अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे बंदी जेल में असहज महसूस न करें। आगामी के लिए भी हमने लगातार जो है कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूरी रूपरेखा बना रखी है। जैसे आगे महिला बंदियों के लिए भी सिलाई का प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है, और इसके अतिरिक्त वॉलीबॉल और खेल कूद में जैसे खो खो है, कबड्डी है। जेल में योग की बयार के साथ ही अब आध्यात्म का भी प्रवेश हो गया है। योग और खेलकूद के अलावा आध्यात्म और मनोरंजन के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिसके जरिए कैदियों को नशे और बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू।